हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और मैं हूँ एक कॉमन रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट। आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं OCD के विषय में कई सारे वीडियोस बनाता हूँ और आप सबका सपोर्ट करता हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसकी कई बार मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है और टॉपिक है HOCD या TOCD। फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स आई बिन ट्राइंग टू हेल्प एंड रिकवर पीपल फ्रॉम दिस डेबिलिटेटिंग कंडीशन कॉल्ड OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। And till now, I have seen almost 5,000 plus people suffering from different kinds of OCD. And इसी के अंदर एक OCD आता है, HOCD and TOCD. Many of the young people and specifically also in middle age, people are suffering with this kind of a disorder. Young adults में मैं ज़्यादा देखता हूँ, पर आज मैं इन दोनों OCDs के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार में बात करूँगा। जब हम बात करते हैं HOCD या TOCD, तो इसमें डर क्या है? हमें फियर जानना है, हमारा फियर क्या है। हमारा फियर एक बहुत सिंपल सा फियर है कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल ना बन जाऊं या कहीं मैं ट्रांसजेंडर ना बन जाऊं। ठीक है, ये हम सबका फियर है, हम कैच कर लेते हैं इसको, है ना। नाउ इस फियर के बाद हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि ये फियर हमें आया ही क्यों, व्हाई एम आई हैविंग दिस फियर। अब हम इसको पास से थोड़ा सा ट्रेस करेंगे मेरे कहने से। पहले आप समझिए कि स्रोत क्या है। एक पेन एंड पेपर उठाइए और इसका सोर्स आइडेंटिफाई करिए कि सोर्स क्या है। सोर्स आप लिख लेंगे एंड ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, सोर्सेज दो तरीके के होते हैं। मैक्सिमम पीपल जो मेरे पास आते हैं और जब उनको मैं ठीक करता हूँ तो पता लगता है थेरेपी के दौरान, और शायद आप भी रिलेट कर पाएँ, और अगर कर पाएँ तो प्लीज़ नीचे लिख के येस या नो ज़रूर बता दें कमेंट के अंदर, कि ऐसा लगता है कि मेरे पास्ट में, मेरे चाइल्डहुड में स्पेशली, मैंने कुछ ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लिया जहां से मुझे मेरा OCD या वो रेफरेंस लेके बोलता है कि तुमने वो किया था इसका मतलब है तुम होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर हो। अच्छा, LGBTQ प्लस AI प्लस 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 किसी भी जगह पे ये बोल सकता है आपको, इसमें कुछ स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर OCD की बात कर रहा हूँ आज। किसी को तो बात करनी थी तो मैंने सोचा मैं ही कर दूँ खुल के बात। तो क्या होता है, वहां से रेफरेंस उठाएगा कि तुमने बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस किया था अपने कजन के साथ, अपने दोस्त के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, और क्योंकि तुम एक मेल हो या फीमेल हो और सामने वाला भी सेम जेंडर रहा है, तो आपको लगता है कि भाई ये एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका OCD आपको यहाँ पे बरगला रहा है, वो आपको डिसीव कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्यों डिस्टॉर्ट कर रहा है? सिर्फ एक इमेज, सिर्फ एक मेमोरी के आधार पर बोल रहा है कि तुम्हें होमोसेक्सुअल तुम हो सकते हो या बन जाओगे, राइट। नाउ प्रॉब्लम इज कि आप लोगों को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन, या बिकॉज ये एक टैबू या स्टिग्मेटाइज टॉपिक है, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट आउट इन दी ओपन। ऐसे जनरली लोग बात नहीं करते हैं, तो बताते भी नहीं, तो आपको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट में बता देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, कि हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड डेज होते हैं उसमें सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही नेचुरल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं। कि जब हम ग्रो अप हो रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, हम दूसरों की बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, मेल फीमेल एनीथिंग, एनी जेंडर एनी सेक्स, ठीक है, हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस क्यूरियोसिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, ना कि कोई सेक्सुअल अर्ज के बेसिस पे। ध्यान रहे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपके इस OCD के अंदर। आप एक्सप्लोर करते हैं बचपन में, हर एक पर्सन करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई कैन से ऑन एन एवरेज 90-95% पीपल, If they have an opportunity in childhood, they will explore other person's body and especially the sexual organs. अब इस दौरान अगर आप stimulate भी कर देते हैं अपने आप को या दूसरे इंसान को, या experience भी करते हैं sexual pleasure को उस moment में, तो इसका मतलब आपके sexual orientation का किसी और तरफ incline होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल डेवलपमेंट का पार्ट है। यहां तक मैं कई बार लोगों को ये भी एग्जांपल देता हूं, मे बी आपने भी देखा हो, दैट समटाइम्स एनिमल्स लाइक स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, दे आल्सो ट्राई टू इनैक्ट द मेटिंग, ओके, वो भी सेक्स के पोजीशंस को इनैक्ट करते हैं अपने प्लेफुल एक्ट्स के दौरान, लाइक सेम सेक्स डॉग्स, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल, सेम सेक्स डॉग्स भी, दे डोंट हैव सेक्स बट दे जस्ट इनैक्ट दैट इन अ प्लेफुल मैनर। ये एक बहुत ही नेचुरल पार्ट है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब क्योंकि वो इक्का दुक्का फ्रेगमेंटेड मेमोरीज हैं, उसको पकड़कर आपका ब्रेन आपको कुछ भी बोलता है। अभी भी आपका ब्रेन ये बोल सकता है कि नहीं, तुमने तो मजा आया था, तुमने तो एंजॉय किया था, तुमने ब्ला 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 ब्ला, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस, ऑलराइट, दैट्स वन थिंग। आगे आपको ये भी समझना होगा कि फिर आपका OCD कहता है कि तुमने किसी दिन कोई ऐसी एक्सप्लिसिट वीडियो देख ली थी, मान लो कि कोई गे पॉर्न पोर्नोग्राफिक वीडियो आपने देख ली थी, और तुमने तो पूरी देखी थी वो,
प्रॉब्लम है कि ये भी एक सरासर झूठ बात है, क्योंकि ये भी एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट है। ह्यूमन बींग्स क्यूरियस होते हैं, अपने नेचर में क्यूरियस होते हैं। तो आपको समझना होगा कि जैसे ही हम किसी ऐसे वेबसाइट पर जाते हैं, हम नॉर्मल अगर अपने टाइप के पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स देख रहे होते हैं और साइड में कोई सजेशंस होते हैं, तो कई बार हमारा क्यूरियोसिटी के रूप में दूसरी चीज़ पर भी क्लिक करने का मन कर जाता है कि ये क्या है। यहाँ तक भी बात नॉर्मल है, तो इन रेफरेंसेस को तो आप प्लीज़ ना उठाएं। फिर आपने ये देखना है कि बचपन की एक मेमोरी थी फ्रेगमेंटेड, उसको लिया उसी ने। बीच का जो समय रहा जहाँ आप अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट हो रहे थे या जो भी, उसको कंसिडर नहीं कर रहा है वो। कई लोगों की शादी हो जाती है, उसको भी कंसिडर नहीं कर रहा, लव मैरिज को कंसिडर नहीं कर रहा, फिर अचानक से कोई और नया मुद्दा उठा लेगा। लेकिन अब तो तुम लोगों को देख रहे हो ना, अब तो तुम लोगों को देख रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं तुम अट्रैक्ट ना हो जाओ, कहीं तुम सेक्सुअली अट्रैक्ट ना हो जाओ, अराउज ना हो जाओ। और इसके कारण आपको दिखाता है कि तुम्हारा ग्रोइनल रिस्पॉन्स तो नहीं हो रहे, जिसको अगेन ऐसा प्रूफ करेगा कि तुम्हारा ग्रोइनल रिस्पॉन्स हो रहा है, सेंसेशन हो रही है तुम्हारे ग्रोइंस में, प्राइवेट पार्ट्स में, तो इसका मतलब है कि कहीं तुम होमोसेक्सुअल तो नहीं, विच इज अगेन अ फॉल्टी रीजनिंग, बिकॉज ये कोई अराउजल बेस्ड सेंसेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो आप। ठीक है, क्या आपको अपने पार्टनर्स के साथ भी इसी प्रकार की सेंसेशन होती थी जैसा अभी आपको बता रहा है ये? बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कि बॉडी के किसी भी भाग में अगर आपका ब्रेन फोकस करेगा तो वो वहाँ पर सेंसेशन वहाँ पे होगी। आप बिना अपने हाथों को आँखों से देखे एक बार मन से महसूस करो, या अपने पैरों के तलवों को, जस्ट इमेजिन देम विदाउट लुकिंग एट देम, एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज अ बजिंग सेंसेशन देयर, एंड इट हैपेंस टू एवरीवेयर। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका ध्यान हाइपर फोकस है, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो, आपका ब्रेन एकदम क्यूरियस मोड में है या कॉशियस मोड में है, इमरजेंसी SOS मोड में है कि कहीं तुम होमोसेक्सुअल ना निकल जाओ या ट्रांसजेंडर नहीं, तो वो बार बार आपकी जेनिटल को एज एन एविडेंस देखने की कोशिश करता है कि कहीं सर्टेनिटी मिल जाए मेरे को। और अगर आप फोकस कर रहे हो, दिमाग के बैक ऑफ द माइंड आपका फोकस वहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ सेंसेशन मिल ही जाएगी, जो कि जनरल है, नॉर्मल है, किसी को भी होगी, लेकिन आपका ब्रेन फिर मिस इंटरप्रेट करके उसको भी आपके अगेंस्ट यूज करेगा ही करेगा। फॉल्स अगेन, एक फॉल्स अलार्म है। एंड एक और चीज, अगर आप इतना डर रहे हो एच या टी के बारे में, तो आपको समझना पड़ेगा दैट यू आर नॉट देम, यू आर नॉट एक्चुअली ओरिएंटेड टू दैट सेक्सुअलिटी, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग फियर। नोबडी वुड बी फियरफुल इफ दे आर होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। पर इसी के साथ यहां मैं बैकडोर स्पाइकिंग की बात भी एक लाइन में कर दूं, जब आपको मैं ठीक करने लगता हूं, आपकी एंग्जाइटी चली जाती है, आपका डर चला जाता है, तो फिर आपको दोबारा OCD फर्क महसूस करवाता है ये बोल के कि देखो तुम्हारी एंग्जाइटी चली गई, कहीं तुम अब तो नहीं हो, विच इज अगेन अ फॉल्टी रीजनिंग। क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रेट सिसजेंडर्ड मेल अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, और मैं अगर मूवी एक्टर कोई ऋतिक रोशन या शाहरुख खान को पसंद करूंगा या बोलूंगा यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूं उनसे। इट्स जस्ट द एडमिरेशन, एडमायर करना और सेक्सुअली अराउज या अट्रैक्ट हो जाना दो अलग बातें हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं किसी शॉपिंग वेबसाइट Amazon, Flipkart पे जाऊंगा अपने लिए कोई शर्ट खरीदने के लिए, तो वहां पे भी तो मॉडल्स जो होंगे, जो तस्वीरें होंगी, वो सेम सेक्स की ही होंगी ना। या मैं फीमेल्स को मेरे कपड़े पहने हुए उस वैसे पसंद करूंगा नहीं ना, मैं किसी लड़के की तस्वीर देखूंगा अच्छा लग रहा है तभी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज लाइक दिस। इसमें कोई एच या टी का रोल नहीं है। अच्छा, टी OCD की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, ऑल्दो मेरे को लगता नहीं है एज अ थेरेपिस्ट कि इसमें अलग वीडियो बनाने की जरूरत है, दोनों में ही सेम काइंड ऑफ डर होते हैं। लेकिन एक चीज बता दूँ, टी OCD में कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है आपकी चाल ढाल, आपका चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका कहीं वैसा तो नहीं हो रहा जैसे किसी स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर में होता है। ऑल्दो ये कोई अलग तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ब्रेन को कि ऐसा ना हो जाए, मैं कहीं अपोजिट जेंडर के कपड़े ना पहनना पसंद करने लग जाऊं, मुझे पसंद क्यों आ रहे हैं। जस्ट स्टॉप मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स, जस्ट से इट्स जस्ट अ गुड थिंग। आप किसी पेड़ को देखते हो तो बोलते हो कि मैं पेड़, मुझे ये पेड़ पसंद क्यों आ रहा है, मैं ये चश्मा देख रहा हूँ, मुझे चश्मा पसंद क्यों आ रहा है। देयर इज नो मीनिंग, जस्ट आई लाइक इट, इट्स फाइन। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं। अगर मैं किसी की गाड़ी को देख कह रहा हूँ कितनी अच्छी गाड़ी है, तो इसका मतलब नहीं मैं कुछ चुराना चाहता हूँ। डोंट इंटरप्रेट, बिकॉज योर ब्रेन इज मिस इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स, राइट। ऐसे ही चलते रहें, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके बोलने के बावजूद आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप जब कल किसी को देखोगे फिर आपका ब्रेन कहेगा मत देख मत देख मत देख, मत बैठ उसके साथ, आपको तो सेंसेशन फील होगी, तो खींचे चले जाओगे। जैसे कि सिर्फ सेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स या सेक्स ही होता है, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड दैट। एंड आई नो कि ये वीडियो भी कम है आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज बनाता नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि और वीडियोस मैं ऐसी बनाने वाला हूं, और आपका FAQs का सेशन भी करूंगा जहां पे आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चंस। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। ट्रीटमेंट चाहते हो कमेंट डाउन बिलो, आई विल शेयर द डिटेल्स एंड हाउ यू कैन कनेक्ट टू मी एंड टेक योर सेशंस। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, कीप बीटिंग OCD, एंग्जायटी एंड फियर्स लाइक अ प्रो।